भिवानी के लाहौर में भरतपुर के गांव खाटमीका के रहने वाले जुनेद और नासिर की हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस लगातार हरियाणा में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को एक ही आरोपी रिंकू सैनी को पकड़ने में सफलता मिल पाई है। गुरुवार के दिन यानी 23 तारीख को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के कैथल जिले के गांव बाबा लदाना में दबिश देते हुए हत्या के आरोपी कालू के घर रेड की। परिजनों से पूछताछ कर राजस्थान पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं हत्या आरोपी कालू के परिजनों ने राजस्थान पुलिस पर बिना महिला पुलिस के उनके घर में जबरदस्ती घुसकर पूछताछ करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि जिस समय राजस्थान पुलिस उनके घर पहुंची, तब सिर्फ हत्यारोपी कालू की भाभी घर में अकेली मौजूद थी। साथ ही उस वक्त पुलिस ने कालू की भाभी के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसे लेकर गांव बाबा लदाना में ग्रामीणों ने गौरक्षक दल और बजरंग दल के सदस्यों के साथ मिलकर पंचायत की ओर फैसला लिया कि राजस्थान पुलिस को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि भिवानी गांव की पंचायत इस केस को क्या मोड़ देगी। पंचायत में गांव के लोगों ने 15 सदस्य कमेटी का गठन भी किया है, जो 1 मार्च को होने वाली महापंचायत के लिए समर्थन जुटाने के लिए आसपास के गांव में पहुंचेगी। साथ ही उनकी मांग है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। इस पंचायत में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष अभिषेक भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं, ये कमेटी आसपास के गांव में जाकर 1 मार्च को होने वाली महापंचायत के लिए निमंत्रण देगी। महापंचायत में सीबीआई द्वारा जांच करवाने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कालू, जुनेद और नासिर की हत्या में शामिल है, तो ग्रामीण खुद सीबीआई का सहयोग करके उसे पकड़वाएंगे।